भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी जोन में जरूरत के आधार पर स्थानों को चिन्हांकित कर वाटर एटीएम की स्थापना तो की गई थी, जिनमें से कुछ सुचारू रूप से चल रहे हैं और कुछ के संचालन को लेकर निगम भिलाई पर सवालिया निशान लग रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम की स्थापना की थी, जिसमें से पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे बना वाटर एटीएम अब भी शुरू नहीं किया जा सका है, जिसे लेकर नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगता रहा है। परंतु अब सर्दी जाने वाली है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन सुनिश्चित हो चुका है। ऐसे में निगम प्रशासन एक बार फिर दावा कर रहा है कि इस वर्ष सभी बंद पड़े वाटर एटीएम एक बार फिर संधारित किए जाएंगे और इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में भिलाई के वाटर एटीएम राहगीरों एवं आम जनमानस की प्यास बुझाने में कारगर सिद्ध होंगे। निगम भिलाई के 5 जोन में वाटर एटीएम स्थापित है, जिनमें से कुछ पूर्ण तरह से कार्य कर रहे हैं तो कुछ मात्र मॉडल बनकर रह गए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने इस वर्ष सभी वाटर एटीएम को दुरुस्त करके जनता को समर्पित करने की बातें कही है। देखिए, अभी जो पोजिशन है वो एक्चुअल में 2 स्थानों पर पावर हाउस के पास में जो वाटर एटीएम है वो अंडर ब्रिज का जो संधारण चल रहा था उसके वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसको मरम्मत एवं संधारण करने के लिए आयुक्त मध्य द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जो बाकी वाटर एटीएम है उनके माध्यम से सुचारू रूप से जल प्रदाय किया जा रहा है और मैक्सिमम क्षेत्र कवर करते हुए वाटर एटीएम लगाया गया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर जो है वाटर एटीएम लगाने का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि गर्मी आने वाली है और उसको देखते हुए लोगों को जो शुद्ध पेयजल है वो मिले, इसके तहत में माननीय महापौर जी ने निर्देश दिए हैं और इसके तारतम्य में जो है वो काम भी चल रहा है और शीघ्र ही जो है वो ग्रीष्म ऋतु के जो आने से पूर्व है इस पे ये कार्रवाई जो है कर ली जाएगी, काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा जो है आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, तो इसी तारतम्य में काम चल रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई ने जिस उद्देश्य से इन वाटर एटीएम की स्थापना की थी वह पूरी तरह सार्थक नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष निगम भिलाई इस कार्य के प्रति काफी संजीदा नजर आ रहा है, जिससे यह आस लगाया जा सकता है कि इस ग्रीष्म ऋतु में राहगीरों और आम जनमानस को शुद्ध और शीतल जल उपलब्ध कराने में नगर पालिक निगम भिलाई पूरी तरह से खरा उतरेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।